अल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरा हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना कबला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है, ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़, 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, पर तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नत ही नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। मैंने बनारस में अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, नंगा बैठा रहता था जेएनयू में जैसे।